बट जो कैलिपर का साइज है ना बेस वेरिएंट में, ये थोड़ा सा बड़ा बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। ये रहा एक्सट्रीम 200S 4V, जिसको फुली फेयर्ड लुक में बाइक आती है। जैसे ये एक्सट्रीम है तो ब्लू कलर के साथ एक्स जो है ये आपका ब्लू में मिलेगा, ब्लैक के साथ ये सेटअप आपका ब्लैक हो जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R के बारे में। आज अपन लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं सारे ही कलर ऑप्शन प्लस टोटल दोनों ही वेरिएंट जो अवेलेबल रहते हैं लाइनअप में। सो ये ब्लैक वाली जो बाइक है ये अपना रहने वाला है बेस वेरिएंट, यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम वाला, और बाकी दोनों ही ABS वाले हैं। इसी टाइप से टोटल दो वेरिएंट अवेलेबल बाइक में रहता है, IBS और ABS। डिस्क दोनों में ही मिलता है, बस डिस्क में एक डिफरेंट आ जाता है जिसके लिए एक वीडियो मैं अभी शूट करने वाला हूँ क्या कुछ डिफरेंसेज हैं वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग। आज अपन लोग कलर ऑप्शन ही कवर करने वाले हैं, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ये अपना रहेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना अगर बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो। पहले प्राइसिंग में आप लोगों को बता देता हूँ। सो बेस वेरिएंट ऑन रोड जयपुर आपको कॉस्ट करता है 1.12 1,12,000 ऑन रोड जयपुर, और टॉप वेरिएंट यानी कि ABS वाला वेरिएंट कॉस्ट करता है 1.18 1,18,000 ऑन रोड जयपुर। सो ये हो जाती है अपनी टोटल प्राइसिंग दोनों ही वेरिएंट की। टोटल दो वेरिएंट, तीन कलर ऑप्शन, रेड सिल्वर, ब्लू सिल्वर, एंड ये अपना रहता है कम्प्लीटली एक ब्लैक वाला लेआउट। काफ़ी अच्छा एक ना डार्क थीम यहाँ पे मिल जाता है अलॉय सभी कलर ऑप्शन में। ये आपका मैट ब्लैक ही सेटअप रहेगा, और बाकी ओवरऑल देखा जाता है तो कुछ चार पांच डिफरेंसेस भी रहते हैं वेरिएंट के अकॉर्डिंग। जैसे बेस वेरिएंट में आपका हजार्ड नहीं रहता, उसके लिए वीडियो भी मैं शूट करूँगा तो वो आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। आज सिर्फ कलर ऑप्शंस। सो पहले पर लोग कवर करते हैं जो आपका सबसे ज़्यादा चहिता कलर ऑप्शन है ना, वो है जी ब्लैक। और कहना रहेगा इसी कलर में ना ये बाइक सबसे ज़्यादा अच्छा भी आपको आएगा। यहाँ पे एक कम्प्लीटली डार्क थीम मिलता है, ये देख सकते हो साइड बाय साइड। ये जो सिल्वर वाला पार्ट है ये पूरा एक आ रहा है, ये भी आपका यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में ही हो जाता है। अलॉयज है ही ब्लैक, रेयर लुक कुछ इस टाइप से है। सो ये अपना ब्लैक कलर रहेगा, ड्यूल टोन यहाँ भी आ जाता है। ये ग्रे वाला थीम है जो कि फ्यूल टैंक पे मेजरली रहता है, बाकी ग्लॉसी ब्लैक ही रहेगा। फ्रंट हेडलैम्प हाउसिंग भी और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही तीनों वेरिएंट में, ये सब कुछ सेम आपको देखने को मिलेगा। सो ये हो जाता है जी अपना ब्लैक वाला। अभी अपोजिट साइड भी अपन लोग देख लेते हैं साइड बाय साइड ही। सो ये रहा आपका ब्लैक का अपोजिट साइड, यहाँ थोड़ा सा डार्क हो गया होगा क्योंकि लाइट के अपोजिट आ गए ना। वही ग्रे वाला थीम यहाँ भी आपको मिलेगा जो कि फ्यूल टैंक पे भी था, और एक पार्ट ये हीरो वाला जाता है, ये भी आपका ग्रे में ही रहेगा। हीट शील्ड भी थोड़ा सा ग्रे स्टोन ही है। केक भी सभी वेरिएंट में आप लोगों को मिलेगा। अब ये रहता है अपना बेस वेरिएंट, ABS यहाँ पे नहीं रहता, बाइब्री ही ब्रेकिंग दोनों ही वेरिएंट में रहेगा। बट जो कैलिपर का साइज है ना बेस वेरिएंट में, ये थोड़ा सा बड़ा बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। अब आते हैं अपने सेकंड कलर ऑप्शन में जो कि है ब्लू। ये बाइक भी ऑलरेडी बुक्ड और काफ़ी अच्छा रिस्पांस एक्सट्रीम 125R को आप लोग दे ही रहे हो। अब हीरो एक्सट्रीम सीरीज़ भी आप लोगों को चलो इसी वीडियो में दिखा देते हैं। 125R, ये रहा एक्सट्रीम 200S 4V, जिसको फुली फेयर्ड लुक में बाइक आती है, और अभी मैं इसका भी वीडियो शूट करने वाला हूँ। सो ये है अपना एक्सट्रीम 200S एक्सट्रीम 160R 4V। ये भी 4V है, ये भी 4V है, छोटे भाई पे आ जाते हैं इनके ना, ये तो दोनों बड़े भाई हो गए। ब्लू वाले में इस टाइप से एक सिल्वर वाला टोन देखने को मिलेगा साइड प्रोफाइल पे मेजरली। रियर से सेम ही है, ग्रे ब्रेल सभी कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अलग रहेगा। रेड में रेड है, ब्लू में ब्लू है, और ब्लैक में ये आपका ब्लैक सेटअप रहेगा। और एक और छोटा सा एक चीज़ है जो कि काफ़ी अच्छा सील सेटअप आएगा, जैसे ये एक्सट्रीम है तो ब्लू कलर के साथ एक्स जो है ये आपका ब्लू में मिलेगा, ब्लैक के साथ ये सेटअप आपका ब्लैक हो जाता है, और रेड वाले में ये चीज़ आपका रेड हो जाता है, और रेड का एक थोड़ा सा ऑरेंजिश वाला टोन ज़्यादा आपको फील होगा। सो ये रहा अपना ब्लू MID सेटअप, सेम दोनों ही वेरिएंट में BT कनेक्टिविटी आपको मिलती है। ये रहा अपना रियर लुक ब्लैक का, और ये रहा आपका ब्लू का डार्क वाला थीम, यहाँ पे टेल लैम्प में भी आ जाता है अपना। और अब आते हैं रेड पे, और लास्ट पे फिर करते हैं इस वीडियो को एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सो MID का स्टार्टअप कुछ आपका ये इस टाइप से रहेगा, LCD क्लस्टर मिलता है, सेम MID है जो कि 164V में भी मिलता है, सब कुछ सेम है, इन्फॉर्मेशन भी वही, BT कनेक्टिविटी भी मिलती है इग्निशन के साथ इस टाइप से। ये जो LED DRL वाला पार्ट है ना ये ऑन रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू लग रहा होगा ना, यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ है इस पर ना कवरिंग, थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए, नई गाड़ी है तो ये इस वजह से ब्लू लग रहा है। बाकी ये है, ये भी वाइट ही जैसा कि अपना ये वाला सेटअप है, वही टायर का सेटअप भी सेम है 90-90-17, फ्रंट 90 सेक्शन है, रियर है यहाँ पे 120 सेक्शन, 120 सेक्शन ABS आपको मिलता ही है। अपोजिट साइड दोनों का देखते हैं, ब्लू का भी रह गया था ना, सो रेड वाला कुछ इस टाइप से ये रहेगा अपना। यहाँ पे किक वही सेम, एग्जॉस्ट हीट शील्ड भी सभी कलर ऑप्शन में ये आपका सेम ही रहेगा, थोड़ा सा
ग्रे वाला टोन मेजरली यहाँ पे आ जाता है। बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की क्विकली। प्राइसिंग आप लोगों को मिली चुकी है, तो 124.7 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, 11.3 बीएचपी का पीक पावर है और 11 एनएम का ही टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहेगा। सो ये हो जाती है अपनी इंजन स्पेसिफिकेशंस। बाइक का टोटल वेट है 136 kg। अभी तक मैंने बाइक राइड नहीं की है क्योंकि यार जब भी मैं आता हूँ ना तो मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, आज भी देखो स्विफ्ट से आया हूँ मैं, सो हेलमेट का थोड़ा सा मिस हो जाता है, वही रीज़न है अभी तक आप लोगों के लिए राइड रिव्यू नहीं आया, बट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे डेमो भी अपने पास अवेलेबल है, वोरा डेमो वाला व्हीकल 125R ब्लैक कलर। सो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए राइड रिव्यू में लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। सो आप लोगों का कौन सा कलर फेवरेट है, रेड ब्लू या फिर ब्लैक? मुझे तो भाई ब्लैक कलर में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एक प्रॉपर बिग बाइक वाला फील ब्लैक कलर में यहाँ पे ना आता है, एक डार्क वाला थीम मिल जाता है। कमेंट में ज़रूर से बताना आपका कौन सा फेवरेट है, रेड ब्लू या फिर ब्लैक। सो करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड शॉर्ट एंड सिंपल, जल्दी जल्दी सारी डिटेल लोगों को मिल चुकी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं कल रात 9 बजे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।